कि अब तक हम इसी नैरेटिव के साथ हम देख रहे थे कि किस तरह से अगर विपक्ष मजबूत हुआ है तो बैसाखियों के सहारे अगर बीजेपी इस बार है तो एक उसको मजबूर सरकार के तौर पर हम देख रहे थे। लेकिन कल जो तस्वीर नजर आई, अगर पहले ही दिन संविधान की प्रतियों को हाथ में लेकर अगर यहाँ पहले ही दिन विपक्ष अटैकिंग मोड में दिखा तो उनको उन्हीं के तरीके से जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए जब उन्होंने जिक्र किया आपातकाल का 25 जून के दिन का। और आज भी मैं देख रही हूँ लंबा चौड़ा ट्वीट उनका दिख रहा है, डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी की वो याद दिला रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि जिन्होंने खुद संविधान को कुचला वो कैसे संविधान के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं। उधर विपक्ष यहाँ पर पिछले 50 सालों के पीछे की बात उन दिनों की याद दिलाते हुए शिक्षा की इमरजेंसी वो दिखाई नहीं दे रही, नीट मामले को लगातार उठा रहा है, ये खींचतान इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए पूजा, 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाने की, आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी और उस वक्त उन्होंने तर्क दिया था कि जो विरोधी दल हैं वो विदेशी ताकतों के बल पर देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के बजाय। जब आदमी इतनी ज़्यादा उस समय उनकी पार्टी के लोग इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया कहने लगे थे और वो लोकप्रियता के चरम पर थीं और उनके पास इतनी ताकत और इतना सत्ता का प्रभाव ज़्यादा था कि वो अपने हिसाब से पूरे देश को घुमाना चाहती थी और इसलिए उन्हें लगा कि सत्ता उनके हाथ से निकल सकती है, विरोधी पक्ष बहुत मजबूत हो रहा है, तब उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। और जब इमरजेंसी 2 साल के बाद हटी तो उनका क्या हश्र हुआ, कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ, पूरे देश ने देखा। हालांकि 3 साल भी न बीते थे वो फिर फुल मेजॉरिटी के साथ चली आई, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती और भारतीय लोकतंत्र की जड़ों के गहरा होने का इससे बड़ा संकेत कुछ भी नहीं। जहां तक मौजूदा हालात हैं, अब देखिए 1975 में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के क्या हालात हैं आप किताबों में पढ़ सकते हैं और उसको जीने वाले, उसको देखने वाले लोगों की संख्या इस समय भारतीय जनसंख्या में 25% से ज़्यादा नहीं है। पिछले 30 वर्षों में भाजपा का शासन कांग्रेस से ज़्यादा रहा है और पिछले 30 वर्षों की जो जनसंख्या है, अगर ये कहूँ कि 45 साल तक अगर आप राजनीतिक जागरूकता की बात करते हैं, 15 साल और जोड़ दें तो 45 साल की पॉपुलेशन करीब करीब देश की आधी आबादी होती है जो इमरजेंसी को जिसने पढ़ा है देखा नहीं। अब आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का 2014 से 24 का कार्यकाल अघोषित इमरजेंसी था जिसमें कि आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा एकाएक दे देते हैं और पूरा देश जान ही नहीं पाता कि किस वजह से देते हैं और भारत के इतिहास में ये दूसरा तीसरा मौका होता है और इस तरह से किसी गवर्नर ने इस्तीफा नहीं दिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की जो प्रक्रिया है उसको बदल कर चीफ जस्टिस को उससे निकाल कर अपने ही और अपने कैबिनेट की प्रमुखता उसमें कर दी जाए, ये सब ऐसे संकेत है। सरकारी नौकरियों को लगातार घटाया जाए और उसमें जो सरकारी नौकरी पाने वाले लोग हैं उनके अवसर कम किया जाए, नौकरियों को आउटसोर्सिंग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन किया जाए, तो जो आरक्षण की व्यवस्था या आरक्षण पाने वाले लोग हैं उनकी नौकरियों पर कुठाराघात हो और तमाम ऐसी संस्थाएं जो पिछले 10 वर्षों में विपक्ष का ऐसा कहना है कि ये अघोषित इमरजेंसी की तरह है, तो ये बहस तो चलती रहेगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये बात करता रहेगा। हमेशा कांग्रेस पार्टी को इमरजेंसी की याद दिलाई जानी चाहिए भी और दिलाई जाती भी है, उसके लिए माफ़ी भी कांग्रेस पार्टी ने कई बार मांगी भी है। बहरहाल एक बात ये आप समझ लीजिए कि विपक्ष को जो ये ताकत और संख्या बल मिला है खास करके उत्तर प्रदेश से, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल अवधेश प्रसाद को समय समय पर अखिलेश यादव कैसे आगे कर रहे थे और कैसे उनको संसद की पंक्ति में अपने बगल में बैठा, वैसे विधानसभा में भी बैठाते थे, बार के सीनियर सांसदों में विधायकों में एक थे, लेकिन उनको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विरोध के प्रतीक के तौर पर अवधेश प्रसाद को हर जगह आगे किया जा रहा है कि ये देखिए जिस 22 जनवरी को आपने प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करके पूरे देश में राममय माहौल बनाने की कोशिश की थी, ये देखिए अवधेश प्रसाद
जिन्होंने वहां नारा दिया था अयोध्या न मथुरा न काशी, इस बार अवधेश पासी। तो आपके हिंदुत्व की काट के लिए हम अवधेश को प्रसाद को आगे रख रहे हैं। और ये जो संविधान है, इसने संविधान को यही दिखा कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपनी पब्लिक रैलीज में ये जो जनसमर्थन पाया है, आधी से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की जीते हैं, तो वो इसी पर आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि धर्म की राजनीति की काट जाति की राजनीति है, जाति की राजनीति की काट धर्म की राजनीति की है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, मैं हमेशा उनको कोट करता हूँ, वो कहते थे कि जब धर्म की राजनीति बहुत चलाई जाएगी तब जात की राजनीति उसे काट देगी, और जब जात की राजनीति बहुत चलाई जाएगी तो धर्म की राजनीति वो काट देगी, और ये दोनों देश के लिए बहुत नुकसानदेह। ठीक है राजीव।